जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका है। 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास है आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, लाइव एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है फ्री प्लान में। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फिर आपको सिलेक्ट करना है गोयल एमपीपीएससी एंड व्यापम, फिर आपके लिए यहाँ पर रेफरल कोड आपसे पूछा जाता है, तो आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें। फिर इसके बाद हम आपके लिए बता दें कि दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है यहाँ पर, 2020 से प्री के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का मेगा प्री एमसीक्यू फेस्टिवल। यह आपका जो है 23 जनवरी से 27 जनवरी तक है। इसमें होंगे आपके दिन में 50 से भी ज्यादा लाइव सेशन और एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एमपीपीएससी प्री एंड अदर एमपी एग्जाम के लिए, और यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी तैयारी के लिए, तो आज ही आप इसको इनरोल करें। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर अपनी जो है तैयारी को मजबूत करने के लिए, अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी लाया है आपके लिए मॉक टेस्ट, जिसमें यहाँ पर टॉप 3 विनर्स के लिए यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। इसके बाद आपके लिए हम बता दें अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में, जो कि आपको बहुत ही जरूरत से भी ज्यादा आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर अनअकैडमी के साथ आप अपनी तैयारी मनपसंद बैच को ज्वाइन करके कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये सारे जो बैच हैं यह आपके कुछ बैच जो है स्टार्ट हो गए हैं और कुछ बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाले ही हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर हम आपके लिए बता दें, जो भी प्री 2020 क्लियर करना चाहता है तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए 60 दिन का एक क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको एक रिवीजन बैच में होंगी लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में आपके यहाँ पर लाइव एमसीक्यू रिवीजन होंगे यहाँ पर रात में होंगे। और इसके बाद दोस्तों दूसरा जो बैच है इसमें होंगे आपके डेली सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन, और इन दोनों बैच में आपको 20 से भी ज्यादा फुल मॉक टेस्ट यहां पर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी यहां पर आपके लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्या है कि कीटों की वायु नली कहलाती है। तो कीटों की वायु नली क्या कहलाती है, यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर है क्या, राइट आंसर श्वासरंध्र। श्वासरंध्र आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है। तो मृदा का वह कौन सा घटक है, मृदा का वह घटक बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर अगर आपसे बनते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताते जाएं क्या है इसका सही आंसर, और आखिरी में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। तो मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि वायु। वायु आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो मनुष्य के शरीर का ताप होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए फसलों की 2 कतारों के मध्य बनाई गई नालियां कहलाती हैं। तो यह नालियां क्या कहलाती हैं, यह आपके लिए यहां पर बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, श्रेणी उपयुक्त में से कोई नहीं, या नलिका या व्याना। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, फसलों की 2 कतारों के मध्य बनाई गई नालियां कहलाती हैं। तो यह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, व्याना। व्याना यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है।
और अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? सूत्र जो यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है यह आपके लिए बताना है, अनुपातिक सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है क्या है, मूलानुपाती सूत्र आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर है। मूलानुपाती सूत्र जो है विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा निम्न बल के कारण होता है। तो कौन से बल के कारण होता है कि पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, यह बताना है। यांत्रिक बल के कारण, विद्युत बल के कारण या गुरुत्वीय बल के द्वारा या शारीरिक बल। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प है और आपका सही आंसर है गुरुत्वीय बल, विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए आपसे यहाँ पर चालक पूछा है, तो अच्छा चालक कौन सा है, चौक, स्टील की चम्मच, लकड़ी या शुष्क हवा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो राइट आंसर है आपका स्टील की चम्मच, स्टील की जो चम्मच है विद्युत का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो मार्स गैस कहते हैं तो किसको कहते हैं, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या है इसका राइट आंसर तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का जो सही आंसर है आपका वह है क्या है राइट आंसर, मीथेन आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। इसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जंग लगना संपन्न होता है वायु मुक्त नमी या इनमें से कोई नहीं, या नम वायु या नमी मुक्त वायु। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 विकल्प हैं आपके सामने, जंग लगना संपन्न होता है। तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विकल्प नंबर 3 नम वायु आपके यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष खालिस्तान वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। तो प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है, यह आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर यहाँ पर बताना है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 विकल्प हैं आपके यहाँ पर और आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, प्रकाश का विक्षेपण, विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए, ध्वनि तरंगे निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं। तो ध्वनि तरंगे निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं, आर्द्र हवा में, द्रव पानी में, बर्फ में या शुष्क हवा में। तो किस में चलती हैं सबसे धीरे, यह आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर शुष्क हवा में, शुष्क हवा विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए, एक विद्युत अपघटक घटाए है, तो एक विद्युत अपघटक यहाँ पर बताना है क्या है, एक धातु, इनमें से कोई नहीं, या एक द्रव्य जो धारा चालन कर सकता है, या एक प्रकाश की विद्युत सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 विकल्प हैं आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, बिल्कुल सही, एक द्रव्य जो धारा चालन कर सकता है, यह आपका जो है विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लार में एंजाइम होता है कौन सा, यह बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है, लार में एंजाइम होता है, तो आपका सही आंसर है टाइलिन, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है आपका सही आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि
IUCN लाल सूची के अनुसार लाल पांडा की क्या स्थिति है? तो संकटग्रस्त जाति है, विलुप्त जाति है, दुर्लभ जाति है, गंभीर संकटग्रस्त जाति है। तो यह बताना है जो लाल पांडा होता है तो इसकी क्या स्थिति है, तो आपके लिए बताना क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। और 14 का सही आंसर है कि संकटग्रस्त जाति है, संकटग्रस्त विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा है प्रक्रम है जिसमें प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण, उर्ध्वपातन, जंग लगना, जलना, ये आपके यहाँ पर चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर है 15 का राइट आंसर आपके लिए बताना है, और 15 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या है, पेनिसिलिन है एक, तो क्या है विटामिन है या आपका हार्मोन है या तीव्र ज्वर नाशी है या प्रतिजैविक है? ये क्वेश्चन नंबर 16 है और चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो पेनिसिलिन है एक है क्या है, तो आपका सही आंसर है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक विकल्प नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है बर्फ की घनत्व होता है, बर्फ की घनत्व होता है जल से, बर्फ का जो घनत्व होता है यह कैसा होता है, जल से कम या कहा नहीं जा सकता जल से अधिक या जल के समान? तो क्वेश्चन नंबर 17 चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है क्या है, राइट आंसर, राइट आंसर है आपका जल से कम, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग है तो कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर, तो आपका सही आंसर है स्फेरोसोम, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक विद्युत अवघटन सेल में वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके लिए यह बताना है क्या कहते हैं उसे, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का सही आंसर है क्या कहते हैं, एनोड, एनोड यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है वायु खालिस्तान दाब क्षेत्र से खालिस्तान दाब क्षेत्र की ओर बहती है, तो वायु खालिस्तान दाब क्षेत्र से खालिस्तान दाब क्षेत्र की ओर बहती है, तो आपका सही आंसर है क्या है, राइट आंसर, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का उच्च निम्न, यानी कि देखिए उच्च निम्न जो आपका विकल्प नंबर 3 है वह सही आंसर है। वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, इस प्रकार आपका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगर आप MPPSC की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसमें आपको यहाँ पर फ्री लाइव, यहाँ पर लाइव क्लास भी है, PDF नोट्स भी हैं, और यहाँ पर वीकली मेगा क्विज भी आपके लिए उपलब्ध हैं। ये आपका जो बैच है 26 जनवरी से जो है शुरू हो रहा है, तो इसको आज ही आप ज्वाइन कर लें, लिंक सारे बैच की जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑलरेडी रिविजन कर रहे हैं और रिविजन कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहां पर संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स है, जिसमें आपको ये संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स है जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर 270 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन ऑल सब्जेक्ट से संबंधित, और यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, लाइव क्लास है, 60 दिन का है कोर्स है, 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो है संकल्प MPPSC 2020 के लिए, इसमें आपको जो है डाउट क्लियर सेशन होता है, यहाँ पर आपका MP के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपका जो भी डाउट रहता है वह आप तक सीमित नहीं रहता है, अब उसका सोल्यूशन भी किया जाता है लाइव क्लास के माध्यम से।
यहाँ पर एक और है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति कोर्स है, जिसके माध्यम से यहाँ पर स्वप्न पूर्ति एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन का बैच कोर्स है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट हिंदी मीडियम के माध्यम से लाइव क्लास यहाँ पर है, पीडीएफ नोट्स है और वीकली मेगा क्विज है और आंसर राइटिंग सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो मेन्स की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है आपका, 35 दिन का है, तो आज ही आप स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन करें। इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, सिलेक्ट यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी एंड व्यापम। इसके बाद आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जो है कोर्स की प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइस है, 1 महीने का कोर्स है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का ये कोर्स है। 10% डिस्काउंट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें और 10% डिस्काउंट पाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और अपनी परीक्षा को बहुत ही मजबूत बनाएं अनअकैडमी के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए अनअकैडमी ऐप की, प्ले स्टोर से आप इसको आज ही डाउनलोड कर लें। और इस प्रकार अपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो कितने क्वेश्चन आपसे सही बने कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।